पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधान परिषद चुनाव में नामांकन कराने जा रहे समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद प्रत्याशी अजय मलिक के कॉलेज के बच्चे ही उनके सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए और स्कूल प्रशासन पर अवैध वसूली और विभिन्न प्रकार के दबाव बनाने का आरोप लगाया। नामांकन कराने जा रहे श्री सत्य साई आयुर्वेदिक संस्थान के मालिक और समाजवादी पार्टी के MLC प्रत्याशी अजय मलिक ने जब ये देखा तो वो कुछ बोल तो नहीं सके, लेकिन उनकी नजरें देखते ही कॉलेज के डायरेक्टर और कॉलेज का स्टाफ बच्चों को समझाने पहुंच गया। मौके पर ही कॉलेज के स्टाफ बच्चे को समझाते रहे और वापस कॉलेज में बातचीत करने का आश्वासन दिया। हालांकि बच्चों ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि साल शुरू होने से पहले ही बच्चों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जाता है और इसके साथ ही अवैध वसूली भी की जाती है। दरअसल श्री सत्य साई आयुर्वेदिक संस्थान पहले से ही सुर्खियों में चला आ रहा है। हमने जो है एग्जाम फॉर्म की जो परीक्षा फीस है उसकी वृद्धि के उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा DM सर। कौन से स्कूल के बच्चे हो? सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल। क्या हुआ था बताइए, क्या परेशानी आ रही है? जी ये मामला ये था कि हमारी जो फीस है पहले 10,000 रुपये तय की थी एग्जाम फीस, लेकिन अब फिलहाल में ले रहे हैं 13,000। और अब क्या है, और एग्जाम फीस से मतलब एग्जाम होने से पहले पहले नेक्स्ट ईयर की फीस लेना चाह रही है और दबाव बना रही है हम। कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? थर्ड ईयर। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ हमने ज्ञापन दे दिया DM सर को, वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा इसमें। कुछ लोग आपसे मिलने आए थे जो स्कूल की तरफ से? क्या नहीं, वो कोई और थे। उन्होंने कुछ कहा, उनसे कोई बात हुई? उनसे जो वो ये कह रहे कि कॉलेज जाओ वहाँ बात हो जाएगी, अब कह रहे क्या चलेगी और फीस के बारे में भी ये भी दिया हमने ज्ञापन के, वो कह रहे हैं कि 2,400 फीस थी गवर्नमेंट ने जो निर्धारित की है, लेकिन 2,40 ले रहे हैं और 5 साल की फीस ले रही है। 4.5 साल का कोर्स है हमारा, पूरे 5 साल की। DM साहब ने क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया सर, ने बोल दिया कि आपका काम हो जाए। बच्चों पर अनाधिकृत रूप से दबाव या फिर अवैध वसूली करने के आरोप आए दिन लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ के छात्र छात्राएं ही कॉलेज प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब श्री सत्य साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे BMS के तृतीय वर्ष के छात्र और छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन जिसमें उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस के बजाय बच्चों पर अवैध रूप से दबाव बनाकर फीस जमा करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अन्य प्रकार के दबाव भी बनाए जाते हैं जिसकी वजह से छात्र छात्राएं परेशान हैं। सर ये परेशानी है कि हमें जो भी हम श्री सत्य आयुर्वेदिक के मेडिकल के कॉलेज के बच्चे हैं, सारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, तो यहाँ पे पता नहीं ये रूल कहीं और वैलिड है कि नहीं, पर यहाँ पे हर टाइम पे जो फीस लेते हैं, जो नेक्स्ट सेशन की फीस होती है, वो हमारी एग्जामिनेशन की जो जो करेंट चल रहा होता है ईयर उसके साथ ही लेने के लिए कहते हैं। तो पहले ही फीस आप जमा कर दो तब हम आपका फॉर्म या जो भी है चीज़ को फॉरवर्ड करें, और जो हमारी एक्चुअल जो फीस है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है जो ऑनलाइन है वो 4,000 है, लेकिन ये हमसे क्या कहते हैं 13,000 मांगते हैं, जिसमें 10,000 हमेशा ही मांगते चले आए हैं। अभी हम थर्ड ईयर में हैं, हमने फर्स्ट ईयर में भी 10,000 दिया था, इसके बाद भी हमें सेकेंड ईयर में भी 15,000 मांगा था, पर एक इशू हो गया था जिसकी वजह से इन्हें पैसे वापस करने पड़े थे, लेकिन अभी ये फिर बोल रहे हैं कि इन्हें 10,000 चाहिए प्लस 3,000 इन्हें फिर से मतलब प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैलिड नहीं लगी, इस पॉइंट को रेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, क्या कहा DM साहब ने जो मुलाकात हुई आपकी? अपने सर ने बहुत सही से रिस्पॉन्ड किया है, सर ने कहा है अभी इस चीज़ पे बात हो। अच्छा, जो आपके मालिक साहब हैं वो MLC का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वही थे जो अभी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? अच्छा, यहाँ पर आपकी मुलाकात हुई डायरेक्टर या किसी अन्य प्रशासन? अभी यहाँ से जो आपसे बात कर रहे थे वो कौन थे जो आपको भेज रहे थे? तिवारी सर। गौर करने वाली बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने MLC का प्रत्याशी अजय मलिक को बनाया है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समाज की सेवा करने और जनता के हर सुख दुख में काम आने का वादा किया है, लेकिन जब उन्हीं के कॉलेज के बच्चे प्रशासन पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाते हों तो फिर समाज की सेवा करने का दावा करने वाले अजय मलिक और उनके कॉलेज स्टाफ की सच्चाई को आसानी से समझा जा सकता है।
सभी ने बोली थी और किसी की बात सुनी भी नहीं उन्होंने, सुननी भी तो चाहिए था, और फिर कह रहे बाहर बोल दिया उन्होंने कि तुमसे जो कर लो जो है वो कर लो। तो फिर वो कैसे करेंगे, वो कुछ भी करने की बात नहीं है। जब सर कह रहे हैं भाई क्या हुआ सर, तो सर की बात मान ली हमने, भाई सर ये सुनो सुनो, एक सर अभी दाढ़ी बनकर आते हैं कॉलेज में। अभी देखो पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।